हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, जिसे सभी लोग अधिक मास या फिर मल मास के रूप में जानते हैं। दरअसल सूर्य वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। इन दोनों में कम से कम 11 दिन का अंतर होता है। आपको बता दें, हर साल घटने वाले इन 11 दिनों को अगर जोड़ा जाए तो 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को समझने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अधिक मास और मल मास कहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल अधिक मास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले के समय में अधिक मास को अशुभ माना जाता था, लेकिन अब इस मास को श्रीहरि ने अपना नाम दे दिया है, जिसके बाद से ही इसका नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। अब इसमें भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बातों का ध्यान रखना अवश्य होता है, जिनके बारे में आज हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिक मास में विवाह करना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय विवाह नहीं करना चाहिए। अगर इस समय विवाह किया जाता है तो ना तो भावनात्मक सुख मिलेगा, ना ही शारीरिक सुख, वहीं घर में अनबन हमेशा चलती रहेगी। इस अधिक मास में नया व्यापार और व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अगर इस मल मास में व्यापार शुरू किया जाता है तो वो सफल नहीं होता, इसलिए इस समय नया कार्य और नया व्यापार नहीं करना चाहिए। इस समय नए मकान का निर्माण और संपत्ति का क्रय करना वर्जित होता है, इसलिए इस समय नए घर का कार्य और नया घर नहीं खरीदना चाहिए, ऐसे में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आपको घर खरीदना है या कोई संपत्ति खरीदनी है तो अधिक मास के आने से पहले ही खरीद लें। साथ ही कर्णवेद और मुंडन भी वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि इस अवधि में किए गए कार्यों से रिश्तों के खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा मांगलिक कार्य करने की भी मनाही होती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।